please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के गाजियाबाद में दो बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर पर तेजाब से हमला कर दिया। आरोपी के हमला करने वाले लड़कों का महिला से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद बाइक सवार दोनों बदमाश महिला का पीछा करने लगे। सीसीटीवी कैमरे में महिला को भी स्कूटर पर वाहन से जाते हुए देखा गया। थोड़ी देर पीछा करने के बाद दोनों आरोपी महिला के स्कूटर को रोककर खड़े हो गए और उस पर तेजाब से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। जिस जगह महिला पर हमला हुआ वहां सड़क पर तेजाब के कुछ निशान भी लगे दिखे। वहीं जिस बोतल में आरोपी तेजाब भर कर लाए थे वो भी वहीं पड़ी नजर आई। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने दावा किया कि हमला करने वाले आरोपी महिला डॉक्टर की जान पहचान के थे और उनका महिला से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बिहार के भोजपुर जिले में बड़ी संख्या में लोग एक महिला को बिना कपड़े के बाजार में घुमाने लगे। भीड़ ने महिला के साथ ये सलूक गाँव के एक लड़के का शव मिलने के बाद किया, जिसमें मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए लोगों ने पहले तो महिला के साथ मारपीट की, फिर उसको बिना कपड़े के बाजार में घुमा दिया। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बदहवास हालत में दिख रही महिला पर लात घूंसे भी बरसाए, जबकि बाजार में मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। महिला के साथ भीड़ की शर्मनाक हरकत के समय कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया। सिर्फ यही नहीं, उग्र भीड़ ने देह व्यापार के लिए बदनाम रेड लाइट एरिया में मौजूद महिला के मकान में पहले तोड़फोड़ की, फिर उस इमारत और उसकी बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना के समय वहां मौजूद पुलिस वाले भी तमाशबीन बने रहे, जिसकी वजह से भीड़ ने आसपास मौजूद दुकानों को भी नहीं बख्शा। क्योंकि भीड़ की हैवानियत का शिकार हुई महिला के मकान से कुछ दूर पर ही छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। आरोपी की लड़की का शव मिलने की सूचना पर जीआरपी और पुलिस ने मामले को एक दूसरे पर टालने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने वहां से गुजर रही ट्रेनों पर भी पथराव किया। पत्थरबाजी के बाद पुलिस भी हरकत में आई, जिसके बाद उसने भीड़ पर काबू पाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की। इससे पहले मरने वाले छात्र के परिजनों ने बदसलूकी का शिकार हुई महिला और उसके कुछ साथियों पर लूट के बाद छात्र की हत्या का भी आरोप लगा दिया। परिजनों ने छात्र की मौत की खबर से उसकी बहन की सदमे से मौत हो जाने का भी दावा किया। हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर छात्र की हत्या नहीं बल्कि हादसे से मौत होने का शक जाहिर किया। गाड़ी से गिरने से वहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए, जबकि एक उपद्रवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिहार के भोजपुर में छात्र का शव मिलने के बाद एक महिला को बिना कपड़े के बाजार में घुमाने पर सियासत शुरू हो गई। सड़क पर भीड़ की उस हैवानियत के बहाने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट का सहारा लिया। ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने बिहार में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो रहा है मेरे बिहार में? एक महिला को नंगा कर सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया है, कहां दुबके हुए हैं खुलासा मियां सुशील मोदी जी? आपके बिहार को महाजंगल राज और राक्षस राज में तब्दील कर दिया है। आपको सब कुछ मंगलमय दिख रहा है क्या? तेजस्वी ने महिला के साथ हैवानियत की इस घटना को समाज और बिहार के लिए भी पूरी तरह शर्मनाक करार दिया। 2019 का चुनाव करीब आते ही राम मंदिर के मुद्दे पर यूपी में हलचल फिर बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया कि जरूरत पड़ी तो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये दलील भी दी कि दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए मंदिर के मुद्दे पर राजी करने की कोशिश की जाएगी। देर नहीं होनी चाहिए मंदिर के मुद्दे पर, और इसका या तो जजमेंट समय से आ जाएगा या तो आपस में बातचीत के आधार पर हल होगा, तो तीसरे विकल्प के रूप में संसद में कानून बना करके भी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और राम मंदिर के बहाने जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। अपने सहूलियत के अनुसार ये कानून की बात करते हैं और ये एक शगुफा है, दरअसल कुछ काम किया नहीं तो ये तरह तरह की चीजें जनता पर फेंकते हैं। वहीं सीपीएम की नेता वृंदा करात ने भी केशव प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस की विशेष टीम ने एक मकान में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने का दावा किया है। आरोपी की ये विस्फोटक नक्सलियों के इस्तेमाल के लिए उस मकान में रखा गया था, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने छापा मारते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। पुलिस ने दावा किया कि छापेमारी में जिलेटिन की 10,000 छड़े, 10,000 डेटोनेटर और अमोनियम नाइट्रेट के 65 बोरे बरामद हुए। हालांकि जिस मकान से ये विस्फोटक बरामद हुआ उसके मालिक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई।
पुलिस की तरफ से इस बात की आशंका जताई गई कि बरामद किया गया विस्फोटक नक्सलियों के इस्तेमाल के लिए उस मकान में रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने मकान में विस्फोटक रखने वाले आदमी की तलाश तेज कर दी है। दिल्ली में फैशन डिजाइनिंग की एक छात्रा ने रॉन्ग साइड से कार चलाकर एक महिला को कुचल दिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में फैशन डिजाइनिंग की एक छात्रा की कार से भीख मांगने वाली महिला के कुचलने के बाद पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में जमानत दे दी गई। देशद्रोह का आरोप झेल रहे उमर खालिद पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें एक आरोपी नवीन दलाल पर 2014 में बीजेपी दफ्तर में हंगामा करने का भी केस है। उमर खालिद हमला मामले में पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो उमर खालिद के कार्यक्रम को रोकना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम देरी से शुरू होने पर उन्होंने उमर खालिद से झगड़ा कर लिया। राजस्थान के अबू रोड में जीआरपी ने ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री के पास से बरामद करीब 66 लाख रुपयों का सही हिसाब न मिलने पर उनको गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने 72,000 नशे की गोलियों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नरेला में जेल से कुछ ही दिन पहले छूटकर आए एक शख्स की उसके साथियों ने शराब पिलाने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा के भिवानी में बाइक सवार दो बदमाशों ने सहकारी बैंक के मैनेजर और गनमैन को गोली मारकर उनसे 12 लाख रुपए लूट लिए, जिसमें बैंक मैनेजर की मौत हो गई। बैंक के मैनेजर और गनमैन को गोली मारकर उनसे 12 लाख रुपए लूट लिए, जिसमें बैंक मैनेजर की मौत हो गई। यूपी के गाजियाबाद में दो बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर पर तेजाब से हमला कर दिया। आरोपी के हमला करने वाले लड़कों का महिला से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद बाइक सवार दोनों बदमाश महिला का पीछा करने लगे। सीसीटीवी कैमरे में महिला को भी स्कूटर पर वाहन से जाते हुए देखा गया। थोड़ी देर पीछा करने के बाद दोनों आरोपी महिला के स्कूटर को रोककर खड़े हो गए और उस पर तेजाब से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। जिस जगह महिला पर हमला हुआ वहां सड़क पर तेजाब के कुछ निशान भी लगे दिखे। वहीं जिस बोतल में आरोपी तेजाब भर कर लाए थे वो भी वहीं पड़ी नजर आई। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने दावा किया कि हमला करने वाले आरोपी महिला डॉक्टर की जान पहचान के थे और उनका महिला से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के सीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले मिलने पर छिड़े सियासी बवाल पर कड़े तेवर दिखाए। इस मामले में बीजेपी और दूसरी पार्टियां लगातार उन पर निशाना साध रही थी, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू सामने आए और सख्त लहजे में सभी पार्टियों को जल्द जवाब देने का दावा किया। जदों मैं जवाब देना होगा मैं दूंगा, सारे दूंगा। इस मामले में कांग्रेस और सिद्धू पर लगातार हमले कर रही बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। नवजोत सिंह सिद्धू का ये बिहेवियर अब किसी मंत्री पद पे रहने लायक नहीं। हालांकि इस सियासी घमासान में कांग्रेस अपने नेता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के रवैये पर नाराजगी जताई, जिसके बाद बीजेपी ने भी सिद्धू पर हमला तेज कर दिया और उनके पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष कमर बाजवा से गले मिलने को शहीदों का अपमान बताया। भारतीय सैनिकों के बलिदान को भुला दिए हैं, भारतीयता को भुला दिए हैं। सिद्धू के बचाव में उतरी कांग्रेस ने पीएम मोदी के बहाने बीजेपी पर पलटवार किया। वो डोकलाम में हमारे अंदर तक घुसाने वाले चीन के राष्ट्राध्यक्ष से जप्पी भर सकते हैं। पंजाबी प्रा ने दूसरे पंजाबी प्रा की जो है जप्पी पोली भर दी तो कौन सा अपराध हो गया। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू के अलावा पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कपिल देव को भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ने निजी वजहों से जाने से इनकार कर दिया था। यूपी के अलीगढ़ में शहीद दलवीर सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने के बाद बड़ी तादाद में लोग उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीमा पर बारूदी सुरंग के विस्फोट में जवान दलवीर सिंह शहीद हो गए, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ में उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। शहीद की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ शहीद दलवीर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहीद के घर वालों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने केरल की बाढ़ को गंभीर आपदा मानते हुए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। केंद्र के अलावा देश के दूसरे राज्यों की तरफ से भी केरल को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया, जिनमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने केरल को 20-20 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। वहीं केंद्र सरकार ने केरल की बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा मानते हुए 600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। इसी तरह तेलंगाना ने 25 करोड़ रुपए,
बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने 10-10 करोड़ रुपए केरल को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। उधर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने केरल को 12,000 किलोमीटर केरोसिन मुहैया करवाने का दावा किया। साथ ही जानवरों के लिए 450 मीट्रिक टन चारा और भारी मात्रा में दवाइयां मुहैया करवाने की बात भी कही। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने बकरीद नहीं मनाने का फैसला किया और लोगों से केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील भी की। व्यक्तिगत तौर पर मैं ईद उल अजहा पर ईद बकरीद नहीं मनाऊंगा और उसमें जो भी हमने सोचा था कि इस बार हम क्या खर्च करेंगे, क्या जश्न में पैसा खर्च करेंगे, वो सारा पैसा मैं केरला के उन पीड़ित लोगों के लिए भेजूंगा जो बाढ़ में पीड़ित हैं। और तमाम देश के अपने मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगा कि इससे बेहतर कोई कुर्बानी नहीं होगी। राजस्थान के अलवर में एक बदमाश ने फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी के सिर पर पत्थर मार दिया और वहां से फरार हो गया। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो आदमी वहां बुरी तरह घायल पड़ा हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने उसे पास के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। मामले की तफ्तीश में पुलिस को घटना के वक्त का एक सीसीटीवी वीडियो हाथ लगा, जिसमें एक बदमाश पहले पत्थर उठाकर लाया, बाद में फुटपाथ पर सो रहे आदमी के सिर में मार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया। राजस्थान के सीकर में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वहां मौजूद पुलिस वाले लाठियां बरसाने लगे। ये लोग कांवड़ियों से मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले कुछ लोगों को पकड़कर पीटते नजर आए। हालांकि एक दारोगा ने प्रदर्शनकारियों और साथी पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। लाठी चार्ज के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। इस लाठी चार्ज से नाराज लोग बाद में पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी और रात में वहीं पुलिस वालों का दावा है कि बातचीत के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उन पर पथराव किया था, जिसके बाद लाठी चार्ज करना पड़ा। जबकि लोगों ने पुलिस पर कांवड़ियों के साथ मारपीट करने के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। अपनी मांगों को लेकर गुस्साई भीड़ ने देर रात सीकर की एक सड़क जाम कर दी और जब पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की तो वो उनसे उलझ पड़े। वहीं प्रदर्शन में शामिल कारोबारियों ने पुलिस वालों पर घर में घुसकर लोगों को पीटने का आरोप लगाया। व्यापारियों के साथ मारपीट की गई, दो व्यापारियों के पैर टूट गए, दो व्यापारी घर से चले गए तो घर में घुस के औरतों के साथ मारपीट की। भीड़ के हंगामे और इलाके में तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीकर के फतेहपुर में धारा 144 लगा दी और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी। साथ ही पुलिस ने कांवड़ियों से मारपीट करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। मुजफ्फरपुर रेप केस में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दो आरोपी महिलाएं सरकारी गवाह बनेंगी। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर शिकंजा कसने के लिए सीबीआई ने दो आरोपी महिलाओं को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत कुल 10 आरोपी 12 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। बिहार की मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। हालांकि सीबीआई रेप कांड से जुड़े आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसने में जुटी है, फिर भी विपक्ष दावा कर रहा है कि नीतीश सरकार बड़े आरोपियों को बचा रही है। इसको तब तक आप पूरी तरह उकेर नहीं सकते जब तक जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ना हो, पर हमारा मानना है कि बड़े बड़े सफेद पोश लोग चेहरे से नकाब उतर के आ जाएगा। नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी के हमलों को धार देने में प्रदेश कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। क्या ये गुड गवर्नेंस है? एक तरफ दुराचारियों का संरक्षण आपका विभाग देता रहा, समाज कल्याण विभाग, दूसरी तरफ जो लोग डिपार्टमेंट चला रहे थे उनके घर से हथियार बरामद हो रहे हैं। इस मामले में विपक्ष के हमलों की वजह से समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को पहले ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। और अब पूर्व समाज कल्याण मंत्री दामोदर रावत और उनके बेटे राजीव रावत के तार आरोपी ब्रजेश ठाकुर से जुड़ने के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ भी शिकंजा कस दिया, जिसके बाद जेडीयू ने राजीव रावत को पार्टी से भी बाहर कर दिया। यही वजह है कि विपक्ष के हमलों का जवाब देने में सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। इसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस। हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि न हम लोग किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, कानून अपना काम करता है। बिहार की सरकार तो निष्पक्ष होकर काम कर रही है और हम खुद भी चाहते हैं ऐसे घृणित कामों का पूरा खुलासा होना चाहिए। रेप कांड को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच सीबीआई आरोपी ब्रजेश ठाकुर के तीन करीबियों की तलाश में जुटी है।
श्रीनगर में शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में टीचर धरने पर बैठ गए। सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े इन टीचरों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद गुस्साए टीचरों ने राज्यपाल एनएन वोहरा के रवैये के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन में 1000 से ज्यादा टीचरों ने हिस्सा लिया और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन देने की मांग की। हमारी स्ट्राइक बंद नहीं होगी किसी भी सूरत में जब तक कि हमें 7th पे कमीशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसके साथ ही धरने पर बैठे टीचरों ने केंद्र की जगह राज्य के बजट से उन्हें वेतन देने की मांग की। जम्मू कश्मीर में सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े 41,000 शिक्षक पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। केरल में सभी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की आवाजाही फ्री कर दी गई। केरल में बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की आवाजाही फ्री कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अलवर में गो तस्करी के शक में हुई रकबर की हत्या के मामले में राजस्थान सरकार से एक हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। हरियाणा के यमुनानगर में एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने साफ किया कि उनकी कपिल देव से तुलना नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मिचेल जॉनसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। वीरेंद्र सहवाग ने केरल में बाढ़ प्रभावितों की मदद करने को लेकर एनडीआरएफ के जवानों की तारीफ की।